नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आजमगढ़ जिले में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। आजमगढ़ जिले के चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल मिनी पीजीआई में एक संदिग्ध मरीज के पहुँचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने मरीज के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है और उसे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने तक मरीज को आइसोलेशन वार्ड में ही रहेगा। जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला एक युवक टर्की के स्टील प्लांट में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत था। होली की छुट्टी लेकर वह 7 मार्च को वाराणसी स्थित बाबतपुर एयरपोर्ट पहुँचा, जहाँ उसकी स्क्रीनिंग हुई, लेकिन सब कुछ निगेटिव आया। एयरपोर्ट पर उसे सलाह दी गई कि यदि 14 दिन के अंदर सर्दी खांसी या बुखार होता है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करे। उसे हेल्पलाइन नंबर देकर घर जाने दिया गया। घर आने के बाद उसे 11 मार्च को सर्दी खांसी और बुखार आने पर युवक ने हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया, जिसके बाद उसे हेल्पलाइन से बताया गया कि वह चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल मिनी पीजीआई में जाकर अपनी जांच कराए। जिसके बाद युवक मिनी पीजीआई पहुंचा, टर्की से आने और कोरोना से मिलते लक्षण को देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर जांच के लिए सैंपल को भेज दिया है। उसे किसी से भी मिलने पर रोक लगा दी है। डॉक्टरों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही उसे घर जाने दिया जाएगा। समस्या ये है कि वो 2 साल से तुर्की में रहते हैं, वहाँ सुपरवाइजर हैं स्टील प्लांट में, और होली की छुट्टी में आए हुए थे। उन्हें कुछ लक्षण खांसी जुकाम बुखार बदन में दर्द था, तो जो कि वहाँ भी जाँच हुई एयरपोर्ट पर भी कुछ सैंपल निकला, फिर घर पर आने पर कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसा लक्षण पता चला, फिर वहाँ के पीजीआई में हम लोग एडमिट किए यहाँ पे चक्रपानपुर पीजीआई, तो कोरोना वार्ड में एडमिट किया गया। डॉक्टर भी देखे होंगे, कुछ सैंपल उम्पल लेके गए, अब कल ही पता चलेगा। अभी डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों का कहना सैंपल गया है, अभी मिलने नहीं दिया जा रहा हम लोग को। डॉक्टर क्या क्या रहे हैं, कब आपको मिलने दिया जाएगा आपके भाई से? बोल रहे हैं कल शाम तक, 7-8 बजे के बाद ही, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए उसके बाद ही मिल सकते हैं। हमारे एक पेशेंट आया जो ओपीडी में, जिसको हम लोगों ने सस्पेक्ट किया है कि इसके घर वाले ने हिस्ट्री दिया है कि ये टर्की से आया है और इसके जो लक्षण मिल रहे हैं कोरोना के हैं, तो हम लोगों ने इसको आइसोलेशन वार्ड में अभी एडमिट किया है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कोरोना पेशेंट है, इसकी जाँच के लिए अभी हम लोगों ने सैंपल हम भेज रहे हैं और तब तक भेज दिया गया सैंपल, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जा रही इसकी तब तक हम लोगों ने इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे और स्पेशल कोरोना वार्ड में इसको हम लोगों ने एडमिट किया आइसोलेशन वार्ड में, और इसके लिए एक टीम गठित की गई है जिससे हम लोग कोरोना वायरस के पेशेंट को यहाँ से जांच कर ट्रीटमेंट कर सकें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।